हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? सभी को राम राम। तो मैं आ गया हूँ आज वापस रूम पे। तीन चार दिन लोग नहीं डाल पाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। मैं था अब तक मासी के घर और भैया और भाभी गए हुए हैं गांव में, आज शाम तक आ जाएंगे। मैं पहले आ गया मासी के घर से, तो अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा ठीक करने। यहाँ मतलब नीचे जा रहा हूँ, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। अब गेट बंद करके नीचे चला जाऊँगा क्योंकि मन नहीं लग रहा है। एक घंटा हो गया मुझे आए, हालत ख़राब है, पसीने नहीं सूख रहे कूलर में भी और पंखे में भी। तो चलो नीचे चलते हैं, ऊपर ही मिलूँगा मैं वापस। अभी मैं आ गया ऊपर। वो रात बहुत तेज़ तूफान आया था, सारे घर में मिट्टी मिट्टी हो रही, चद्दर भी नहीं हो। तो अभी हम बिल्कुल, देखो कैसा हो रहा है रूम। दो मिनट रुको, दो मिनट। तो अभी रूम वगैरह साफ करके सब क्लीन करके अब मैं टीवी देख रहा हूँ। एसी चलाने को कहा भैया ने कि थोड़ी देर एसी चला ले, हम आ रहे आधे घंटे में, कूलिंग हो जाएगी। तो मैंने पहले ही चला दिया। और मैं वो अब थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया नीचे जाके दुकान पे। और अब भैया आने वाले थोड़ी देर में, निकुंज को बहुत दिन में देखूँगा। मम्मी बहुत दुखी हो रही थी, फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कि निकुंज चला गया, इस वजह से मम्मी पापा दोनों दुखी हैं थोड़े से। तो अब मैं चला जाऊंगा 11 तारीख को। हाँ, 11 तारीख को मैं गांव में जा रहा हूँ, 12 तारीख से मेरे पेपर हैं। और क्लास कंटिन्यू करूँगा मैं आई थिंक 26 तारीख से, अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम है। फिर एग्ज़ाम से आके फिर टीचर गाँव चली जाएगी अपने, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक अगले महीने से स्टार्ट होगी क्लास। तो मैं 11 तारीख को गाँव में जा रहा हूँ 15 दिन के लिए। चलो अब भैया आने वाले हैं थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी भैया और भाभी आ गए। क्या टाइम हो रहा है? पूरे 4:50 हो रहे हैं। 1:30 बजे बैठे थे, जाम था इसलिए लेट हो गए। मैं जा रहा हूँ नीचे पिक करने। तो मैं आ गया नीचे, यहाँ तो कोई भी ना है। हाँ वो रहे, मैं चप्पल ना पहन लिया। भाभी नमस्ते। गंजी गंजी आँख पे लग रही है उसके। चलो आओ, ये गांव में जाके इनके चेहरे पे चमक आ गई। और वो गंजा है ना, वो बड़ा हो गया। हेलो, और क्या, 4 दिन में बड़ा हो गया। चलो ऊपर उठाओ। अभी मैंने रोबजा बना के रख रखा था, इन रोबजा दे देंगे। ठीक है, रोबजा पियोगे चाय? रोबजा अभी हम पी रहे हैं रोबजा, और गंजा भी पी रहा है रोबजा। मोटा हो गया आया गांव में 4 दिन में ही, है ना? बताया सबको मेरी अम्मा ने मोटा करके भेजा, मेरी डबल चिन भी आ गई। और काला भी कर दिया थोड़ा सा, है ना? बाबा को छोड़ के आ गया। अब मैं बाबा मामा को छोड़ के आ गया। टाइम थोड़ा मतलब शाम और रात के बीच का अंधेरा हो रहा है मतलब। और हमें हुई थोड़ी सी क्रेविंग कुछ खाने की, भैया को और मुझे। भाभी वाला ही खाना, और हम मैं जा रहा हूँ बाइक लेके वहाँ चिली, वो क्या लेने, चिली पटेटो लेने। तो चलो चलते हैं बाइक पे, तुम लोग बनेगा ना। अभी हम आ गए बाजार में, यहाँ पे बहुत भीड़ है। अब ढूंढेंगे कहाँ है कौन है, हमें उस पर वहाँ जहाँ दुकान है ना वहाँ जाना है। बहुत दूर पैदल पैदल चलना पड़ेगा, बाइक खड़ी कर दी वहाँ भैया के फ्रेंड के घर के सामने। ये वाली दुकान है, हम आगे निकल गए थे। चलो चलो चलो, होटल फेल है इनके चिली पटेटो के सामने। चिली पटेटो आज नहीं है भैया की दुकान पे, तो हम आइसक्रीम खा के घर निकलेंगे। अरे चलना आगे, ये बार बार किसी ना किसी में टकरा रहा है, इस वजह से नहीं जा पा रही थी बाइक आगे। अभी हमने आइसक्रीम भी ले ली, अब जा रहे हैं हम बाइक के पास।
एक बार यहाँ से भी लेके गए थे, वो हमें अच्छे नहीं लगे थे, अब वहाँ से लाते हैं। हमारी बाइक यहाँ पे जी जी, अब चलते हैं। अभी हम आ गए घर, बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया। अभी भैया पीछे लेके जाएंगे इसे, भैया आएंगे ऊपर से घर के पीछे खड़ी कर देंगे इसे। ओ भाई अंधेरा, अभी फ्लैश जलाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर और जाना है आराम से। भाभी का फ़ोन आया था, तेरे भैया सो गए, ज़रा खटपट कम करते हो भैया, क्योंकि भैया की आज रात से ड्यूटी है, नाइट ड्यूटी। मम्मी से बात कर ली भाभी, तो अभी खाना बनना है। अभी खाना बनने लग रहा है, क्या बना रहे हो? भिंडी। रात को भिंडी की सब्जी कौन खावे? अच्छा हाँ, रात को भैया आज ड्यूटी जाएंगे तो ऑफिस लेके जाएंगे भिंडी। सुबह किस टाइम आएंगे फिर? 8 बजे आएंगे, फिर सो जाएंगे। हम सुबह को कुछ कर नहीं सकते, तो हम घूमने जाएंगे। कल कब लोग आएगा? हम जाएंगे शॉपिंग करने नांगल। तो अभी रात के बज रहे हैं 1, भाभी सो गई, भैया ड्यूटी गए हुए हैं। मैं जा रहा हूँ ऊपर क्योंकि मुझे नहीं आ रही नींद। आई डोंट नो रीज़न क्या हो सकता है इसका, बट मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, बिल्कुल भी। अब चलते हैं ऊपर। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, फिलहाल आई थिंक कोई नहीं होगा। कोने पे कबूतर है। वाह क्या मौसम है। ये कैक्टस वगैरह के पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने, भाभी ने नीचे वा लिया, उन्हें बोलूंगा इन्हें सुबह। और आज के लिए इतना ही। ओ एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, रुको। किसी के घर में झांकना तो नहीं चाहिए, पर जो ये घर है ना इधर, इसकी जो ये टीन है इसके नीचे देखो कबूतर रहते हैं बहुत सारे। मैं डर गया भाई, इसको दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओहो वहाँ जाके बैठ गया, आई थिंक इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रात में बहुत सारे कबूतर रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे इसके नीचे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं कल व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आ जाएगा। कल जा रहे हैं, आपको पता है हम शॉपिंग पे, शॉपिंग नहीं मतलब ऐसे ही 2-3 जोड़ी कपड़े लाने हैं। और मेरा ना बर्थडे आ रहा है इसलिए मम्मी ने बोला है कपड़े ले आइयो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।